मीडिया की सुर्खियों में चल रहे महर्षि दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पीड़ित छात्र एवं उनके परिजन और मीडिया कर्मी अपनी गुहार लेकर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा कार्यालय, जहां उन्होंने शिकायती पत्र के माध्यम से अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। वहीं पीड़ित छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल के प्रिंसिपल अमित गौतम एवं अपने एक सहयोगी मित्र रविकांत तोमर के साथ रविवार को उनसे मिलने पहुंचे, जहां स्कूल प्रबंधक द्वारा पीड़ित छात्र के परिजनों को राजीनामा के नाम पर 50,000 का लालच दिया गया। साथ ही कहा गया कि आपको मीडिया के खिलाफ बयान देना है। आइए सुनाते हैं पीड़ित छात्र के परिजनों की जुबानी। मथुरा से संवाददाता उमेश भदौरिया की रिपोर्ट। शिकायत भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, टीसी काट दी। उसके बाद भी बेटे ने मेरे को बताया, पापा ऐसे ऐसे बात है, मेरी टीसी काट दी है। पूछा तो उल्टा और गाली गलौज सभी कम कर रहा है, और इसको भी मारपीट किया है। मैंने जो टीसी काट दी, मारपीट का क्या मतलब है इसका? मारपीट भी की है और क्या? किस तरीके से मारते हैं? लपड़ मारता, डंडी से मारता है कभी, मेरा तो लपड़ मारे 5-7 इसमें। अच्छा, आपके सामने भी मारे और क्या? आपके साथ भी कोई बस्ती नहीं? हाँ, गाली गलौज भी दे रहा था। ये बोला क्यों गाली गलौज दे रहे हो? उल्टा भी वो कर रहा है कि तेरे को उठवा दूंगा, सब काम करवा, घर से उठवा लूंगा तेरे को, वो कर दूंगा। कौन है स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल? अमित गौतम। अमित गौतम, अब क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हमारी टी सी काटी है, जो हमारी साल खराब हो रही बच्चों की, वो हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे की साल खराब नहीं हो, ये काम हमारा हो जाए। हम और कुछ नहीं कार्रवाई करना चाह रहे हैं हम तो। ये अभी कहाँ पर आए हो आप? अभी यहीं पर आए थे अधिकारी के पास, हमें लेनी है सीओ साहब के पास। सीओ साहब और एसएसपी के साहब? तो अब आप कार्रवाई नहीं चाह रहे तो फिर क्यों आए हो? इसीलिए कार्रवाई दे रहे हैं, उनको एप्लीकेशन दोबारा दे रहे हैं, ये लिखा हुआ है, कार्रवाई भी दिखा रहे हैं, उनको सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ करना चाह रहे हैं। जो मीडिया का आरोप लगाया चौथ वसूल का, वो सही है आरोप? गलत है आरोप, मीडिया पर जो लगाया है वो गलत लगाया है। वो हमको भी कल परसों कल आया हमारे पास में, 5:30 बजे करीब आया, हमसे ही कह रहा है तुम मीडिया के खिलाफ गवाही गलत दो, तुम हमको तुमको 50,000 रुपये उल्टा और देगा हमको। कौन कौन आए थे आपके पास? ओ रविकांत और अमित गौतम, दो जने थे। तो आपसे मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोला था? हाँ जी, मैं उल्टी गवाही दो हमको। आपने क्या बोला उनसे? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। कहाँ पर आए थे? कहाँ पर? छठी ग्राम है साहब, हम खेती का काम कर रहे, खेती का काम कर रहे थे, किसान आदमी है। और भी कुछ कह गए आपसे? नहीं, ये कह के वो निकल गए थे। और आपके लिए, आपके बेटे के लिए कुछ नहीं है? ये अच्छा नहीं होगा आगे के लिए, देख लेना, ये अच्छा नहीं होगा हमारा, हमको अच्छा नहीं होगा अगर आप मीडिया के खिलाफ गवाही नहीं दोगे तो। ये बोला था उन्होंने।